हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज मिले हैं राकेश जी के साथ में। मैं आज यंग यूट्यूबर हमारे मिस्टर एसए मलंग के साथ आज जो ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट करके हम लोग जो है ना प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें हम आपको ये फैक्ट दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 15 अगस्त को जो हर घर तिरंगा करके एक जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें जो लोगों ने तिरंगे लगाए थे वो 3 दिन बाद जो है ना उनको उतार लेना था। 15 अगस्त के शाम तक उनको सूर्यास्त से पहले पहले उतारना था, लेकिन हमारे कुछ भाइयों ने या तो अज्ञानता बस या जो भी उनके कारण रहा होगा वो उन्होंने नहीं उतारे, तो उनकी कंडीशन क्या हो गई है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। और अब हम जा के हर जगह से झंडों को जो है उतार रहे हैं। कारण यह है कि हमें अपने झंडे का पूरा मान सम्मान रखना है, जिससे कि वो झंडा जो है ना खराब ना हो, लेकिन फिर भी जो कुछ हमने तिरंगे उतारे हैं उनकी कंडीशन इतनी जो है खराब हो चुकी है कि हम आप लोगों को फैक्ट दिखाना चाहते हैं। देखिए ये तिरंगे जो है ना किस तरह से जो है ना लोगों ने लगा के रखे हैं और किस तरह गंदे हो गए हैं। हल्का पड़ गया है और ये देखो नीचे ग्रीन रंग जो है और ये देखो कितना गंदा हो गया है ये झंडा। अब आप खुद देख सकते हो ये पूरे झंडे जो है ना इस लायक नहीं बचे हैं कि अगले कार्यक्रम में इन्हें दोबारा से इस्तेमाल किया जाए। जबकि ये तिरंगा जो है अगर पूरे सम्मान के साथ उतार के अगर रख लिया जाता तो ये अगले 26 जनवरी वाले कार्यक्रम में फिर से हम लोग इनको इस्तेमाल कर सकते थे और ये उसी हिसाब से जो है ना हमारे काम आते। लेकिन इन तिरंगों की इतनी खराब कंडीशन कर दी लोगों ने कि जो नहीं मुझसे नहीं मुझसे काफी लोगों ने सवाल किया कि क्यों कर रहे हो या तुम्हें क्या मिलता है या इस तरीके से। या उस दिन हम लोगों से कहा था एक आदमी, याद है वो पिया हुआ था, हम लोगों से आकर पूछा था कि क्या तुम लोगों क्या है। ये देखो पूरा झंडा फट गया है लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं उतारे, हम लोगों ने खुद चढ़ चढ़ के उतारे हैं और लोगों के मदद से जो है ना ये उतरवाए हैं, तब जाके जो है हमने इतने झंडे इकट्ठे किए और इससे हमारे पास कई गुना झंडे जो है हमारे घर में। ये अभी पूरा खाली भी नहीं किया है, अभी ये तो अभी पूरा भरा हुआ है बैग हमारे पास। नीचे अखबार बिछाया भी दिखाऊं आप लोगों को ताकि हमारा गंदा ना हो। इसके अंदर इतनी धूल और इतनी मट्टी निकल रही है, इतनी गंदगी निकल रही है इसके अंदर। ये जैसे ये देखिए क्या ये की हालत क्या बिगाड़ दी है लोगों ने। ये लगे लगे तिरंगे जो है ना पूरे फट गए हैं, खराब हो गए हैं। लेकिन अब आगे के लिए क्योंकि हम लोगों ने ये मुहिम खेली है कि इससे जो है ना लोगों को थोड़ा सा ये आभास हो कि हमें तिरंगे का पूरा मान सम्मान करना है और तिरंगे को बहुत ही संभाल के बाइज्जत जो है ना लगाना भी है और उतारना भी है। एक चीज और आपको बताऊं मैं कि जहां हम लोगों ने फर्स्ट डे प्रोग्राम शुरू किया था मथुरा और अड्डे पर, वहां अभी भी एक बंदा ऐसा है, इस पर मैं कल जाऊंगा, अभी भी उन्होंने अपना झंडा लगाकर रखा है। वहां से हम लोगों ने शुरुआत की उनके पास खड़े होकर सामने, उनको इतनी शर्म नहीं आई कि लोग बोल के गए उतार लेना चाहिए। ये अभी नहीं उस टाइम जो लगाए गए हैं 15 अगस्त में अगर नहीं उतारे जाएंगे अभी भी तो उन अभी लोग कह रहे हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या ऐसा है या लगा है, लगा रहने दो, ये स्थिति हो जाएगी उनकी बात में। ये और कोहरा रहेगा, अब ठंड आ गई है, कोहरा पड़ेगा, उसके गीला होगा, धूल चुपकेगी, फिर धूप पड़ेगी, कपड़ा गल जाएगा। इस तरीके से ये इसकी हालत, ये देखो इसको कौन देखेगा। सब लगा लो अपना घरों पर हरा झंडा लगा लो और भगवान झंडा लगा लो, इसको कौन देखेगा भाई, इसकी देखभाली किसकी जिम्मेदारी है, ये कौन देखेगा बता दो एक बार। कितनी गंदगी हो रही है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये जिम्मेदारी हमारी है ना। हम आज चांद पर जा रहे हैं, सूरज पर जा रहे हैं, हम लोग स्टेटस लगाते हैं, प्रोफाइल लगा रहे हैं अपनी कि हमारा चंद्रयान 3 सेफली पहुंच गया, सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, खुशी मनाई, मगर ये जो जिसको हम लोग फ्लैग हमारे जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, मान सम्मान के लिए जिसके सब कुछ हो रहा है, उसकी स्थिति ये रहेगी। मगर ये हम केवल इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो अपने आस पड़ोस में अगर कहीं पे भी अब झंडा अगर लगा हुआ देखते हैं तो उसे मान सम्मान के साथ उतार के संभाल के रखवा दें। जब हवा तेज चलती है तो हवा के तेज चलने से ये होता है, ये साइड से कपड़ा जो है हल्का हल्का धारण करता है, उसके बाद पूरा कपड़ा फट जाता है, बहुत ज्यादा हल्के से करने पर चर्चा सा हो रहा है, बहुत ज्यादा गंदे हो गए पूरा जो है ना इसकी साफ सफाई। ये कितने लोगों को अच्छा लग रहा है ऐसा, कितने लोगों को पसंद आ रहा है जो इस मुहिम में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं या हमसे सवाल कर रहे हैं, ये उनका जवाब है, क्या ये आपको अच्छा लग रहा है, ये ठीक है।
हमें ये सब हमारे देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को जो है पूर्ण सम्मान दें और मान सम्मान के साथ लगाएं और मान सम्मान के साथ ही उतार के उसको सुरक्षित अपने घर पे अलमारी में बंद करके जहां भी सुरक्षित जगह रखते हैं वहां रखें, तभी इसका मान सम्मान रहेगा। और आगे आने वाले 26 जनवरी को या और जो भी पर्व आएंगे उन पे आप इसको पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये चीज तो हम लोग कब से कह रहे हैं, माइक से भी बोल रहे हैं ज्यादातर। जहां आपको चीज मालूम, जहां किले पर और साजिदनगर में हम लोग रुके थे वहां आज भी झंडे लगे हुए, बहुत जगह लगे हुए, फर्क नहीं पड़ता कि कोई आया था भोग के चला गया था। ये आप देख रहे हो, एक तो ये फटा है और ये देखो इसकी कंडीशन नीचे से क्या हो रही है, बहुत ज्यादा गंदा हो गया। और क्या ये वाइट ही लग रहा है पूरी तरीके से, कंप्लीट वाइट जैसा होता है जैसा हमारे पीछे भी वॉल आपको दिख रहा है वैसा, गलत बोल रहा हूँ? ये एक फौजी इसको अपने तिरंगे को अपने जान से बचा, शहीद हो जाता है जब तो उसके सीने पर रखकर आता है ये इंडियन फ्लैग, उसके मान सम्मान के लिए उसकी फैमिली को इस तरीके से फोल्ड करके ये चक्र आगे होता है ना, ये होता है तरीका। ये गंदा जरूर हो गया मेरा, आज भी हमारा फ्लैग है अब इसको बहुत मान सम्मान के साथ, आज भी मेरे लिए वैसा ही नजर है, गंदा है तो क्या हो गया, इस तरीके से उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाता है ये चीज। और हम लोग इसका ये सम्मान कर रहे हैं यार, हम लोगों को ये मुझसे उल्टा सवाल पूछ रहे थे, काफी सारे लोगों ने काफी उल्टा मुझसे सवाल पूछे हैं उल्टा, अब मैं मतलब जवाब भी इस चीज का मैं ही दूंगा कि ये मेरा है या आपका है या किसी और का है, ये भी मैं ही बताऊंगा आपको। ये सभी काम है, हम दोनों का काम नहीं है भाई, ये पूरे देश के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय ध्वज का जो है पूर्ण मान सम्मान करें और उसको सम्मान के साथ रखें और सम्मान के साथ ही लगाएं। एक भाई साहब से जब मैंने फ्लैग उतारने के लिए बोला था तो उन्होंने इस तरीके से उतार कर दिया कि एक तो किसी चीज उधर गई इसकी सिलाई, दूसरा मैंने कंडीशन समझाई कि हवा ज्यादा चलने से, बड़ा फ्लैग है हवा ज्यादा चलने से ये चीज होती है, देखो ये कमजोर हो गया बहुत ज्यादा। चीजों के साथ ही हम सभी आम जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं, हम दोनों लोगों का ये आह्वान है कि जहां पे भी अब अगर आप इस राष्ट्रीय ध्वज को लगा हुआ देखते हैं, कृपया करके हम लोगों को जो है सहयोग करें और मान सम्मान के साथ अपना अपना काम समझकर अपने तरीके से इस चीज को देखिए, पर्सनली लीजिए, जरूरी है ये चीज। आप बाहर जाओ कभी भी आपको फ्लैग की कमीशन ऐसे नहीं मिलेगी, कोई प्रोग्राम हो, अरे फिर बाहर से मतलब क्या, हमें अपने झंडे से मतलब है, हम अपने देश से मतलब है, हम लोग इस चीज को नहीं कर पा रहे, इतनी छोटा सा काम, इतनी छोटी सी एक चीज है, एक लगाया सम्मान के साथ अपना फोल्ड करिए और फोल्ड करने के बाद उसको सम्मान के साथ रखिए, फिर अगले दिन उसको यूज करिए जब भी आपका मन करे, ये चीज जरूरी है, प्लीज इसको समझिए और अपना पर्सनल कोई काम समझकर, अपनी कोई पर्सनल चीज समझकर इसका सम्मान कीजिए, जैसे हम लोग अपनी पर्सनल चीजें साफ रखते हैं, सफाई रखते हैं उनकी, उनको महफूज तरीके से रखते हैं, महफूज जगह पर रखते हैं, उसी तरीके से हमें इसको भी समझना चाहिए, ये चीज जरूरी है। और देश में सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, इस पे भी एक बार ध्यान दे ले, जरूरी है, क्योंकि अभी G20 जैसा सम्मेलन हमारे हमारी इंडिया के अंदर हुआ है, हमारे देश के अंदर हुआ है, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, चंद्रयान 3 हमारा पहुंचा है, उसी तरह जो हमारी पहचान है, अभी कभी भी अगर आपका पासपोर्ट देखा जाएगा या कभी हम लोग बाहर जाएंगे, हम अपनी भाषा से हम पहचाने जाते हैं वहां पर, अपनी लैंग्वेज से, और हमारे तौर तरीके, हमारे जो पुराने जो पूर्वज हमें सिखा गए संस्कार, हमें उनसे पहचाना जाता है और हमारे फ्लैग से हमें पहचाना जाता है। सबसे मेन सपोर्ट, सबसे मेन चीज है कि हमारा फ्लैग जो है ना पूरा 20 कंट्री G20 के जो 20 कंट्री आए थे उसमें हमारा ध्वज जो है ना बिल्कुल ऐसी जगह लगाया गया था जहाँ पे जो उसकी आन वान शान सब कुछ दिख रही थी अलग, और एक तरफ हम लोग नालियों में पड़ा है, हमारे यहाँ कूड़े में पड़ा है, हमें कोई जानवर आके फाड़ के जा रहा है, कोई उस पर पोटी कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कुछ कर देता है, हम लोग एक तरफ ये चीज कर रहे हैं, इसकी हम लोग हिफाजत उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जैसे हमारी आर्मी कर रही है, ये हमें खुद करना चाहिए। उल्टा हमसे सवाल कोई अगर पूछता है उनके लिए जवाब था भाई, इस चीज को समझो, जरूरी है सम्मान के साथ रखने में, आपकी कोई नीचे नहीं हो जाएगी ना आपकी कोई बेइज्जती है, सम्मान के साथ अगर अपने झंडे को रखोगे तो ये आपका अपने लिए प्यार आप दिखाओगे, हम जैसे कितना प्यार करते हैं, जिस तरह लगाया था उसी तरह जिम्मेदारी से उतार लिया जाए तो और बेस्ट रहेगा, प्यार हम सब करते हैं मगर उसको भूल जाते हैं, कपड़ा पहनते हैं तो कोई लगता है कि पसीना आ गया, गंदा हो गया, बदबू है या कोई और बात है या कुछ और, या हमें कपड़े चेंज करने हैं दूसरे प्रोग्राम के लिए तो हम लोग तुरंत चेंज करते हैं, सम्मान के साथ रखते हैं उनको, धोकर गंदे हो गए तो फेंक तो देने देंगे, इस तरह इसको भी अगर थोड़ी जगह दे देंगे अपने घर में तो बहुत ज़रूरी है, इसने हमें खुद जगह दे रखी है, हम लोगों को हमारे पूर्वज आ गए और हम भी जाने कहाँ पहुँचेंगे और कब तक ये देश रहेगा, कब तक ये दुनिया रहेगी, पृथ्वी जैसा रहेगी तो देश रहेगा, जब तक हम सबको जगह देगा
प्यार करें, अपने आसपास सफाई रखें और पेड़ लगाएं। ये आप देख रहे हो मौसम, आप इतने पुराने हैं, आज जो आप मौसम इसको देख रहे हैं, कभी पहले था ऐसा नहीं, कितना अच्छा सब कुछ था। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, और कहीं भी पहाड़ों पे स्पेशली घूमने जाएं तो वहां गंदगी ना करें। चिप्स विप्स कोई भी चीज खाते हैं जहां डस्टबिन हो वहां फेंक दें। अपनी गाड़ी के अंदर एक पन्नी कैरी कर लो, उसके अंदर रखते रहो, बाद में आप उसको फेंक सकते हो, उससे क्या है तो वहां सेफ रहेगा। हम लोगों ने अपने यहाँ तो सब कुछ कर लिया है, ऐसी तैसी कर दी है बिल्कुल, तो वहां भी हम लोग अब जा रहे हैं तो वहां भी कर दे रहे हैं। पी पा रहे हो अपना कोई भी चीज, जैसे कोई बियर पिए किसी ने, बोतल पी है, ठीक है, कुछ भी किया है, या कोई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक की है, कोई कैन है, कोई मैगी किसी ने कुछ, ये जैसे हमारे जैसे भाई होते हैं जो कुकिंग करते हैं जाकर, जरूरी नहीं है यूट्यूबर ही कुकिंग करता हो, नॉर्मल आदमी भी जाकर बहुत शौकीन है कुकिंग करते हैं, तो प्लीज इस चीज को फॉलो कर लें। और इसमें हम जो बता रहे हैं इसमें कोई आपकी बेइज्जती नहीं है, ना हमारी कोई बहुत बड़ी शान है, बस एक हमारे दिल में ये चीज हुई तो हम लोगों ने एक साथ मिलकर, मैंने पहल की, मुझे आप मिले, आपने मेरे साथ पहल की, ऐसे हम लोगों को सब लोग मिलते रहे और हम लोग एक दूसरे के साथ ऐसी एक और एक ग्यारह होते हैं साहब, सब लोग एक से एक बढ़ेंगे तो आगे देश एकदम हमारी मुलाकात हुई और आज हम लोग आपके सामने खड़े हैं। और आप मुझे डेली टाइम देते हो, अपनी फैमिली का भी सारा देखना, सब कुछ करना, फिर अपना बिजनेस सब देखना, उसके बाद फिर अभी यूट्यूब पर भी काफी टाइम दे रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जल्दी आपको इनका चैनल भी मिलेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जब भी इनका चैनल बनेगा, और आप लोगों को बताकर हम लोग शुरुआत करेंगे आपकी, ठीक है। अब जो हमें करना है वो आपसे ये है मैसेज, आप इसको ये देना चाहते हैं, अभी आप इसको आगे फॉरवर्ड करें और आपको समझ में आया तो आप इसे फॉलो करें, और जितने लोगों को आप बता सकते हैं बताएं, इसका सम्मान करिए, जरूरी है, ये सबका है, मेरा आपका नहीं है, सभी का है, तो सबको इसका सम्मान करना पड़ेगा। और ये बात बताना नहीं पड़ेगी, ये बात बताना पड़ेगी, कभी सोचा नहीं था और ना ही कभी आज तक किसी ने बताई है, और मुझे लगा तो मैंने बता दिया, और मैं मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं लगा ना इन सब चीजों में, घूमने घूमने से, लोगों से मिलने से, जैसे मैं अभी वापस आया हूँ मुक्तेश्वर से, वापस आया हूँ, वहां पर मैं जद्दाल साहब से मिला था, उनका यहाँ होम स्टे आपको दिखाया था, उनकी मैडम थी साथ में भाभी, तो कितना ज्यादा मैंने एंजॉय किया, और इतना मुझे आने का मन नहीं था, मगर मजबूरी ऐसी थी, जाते हो तो आना पड़ेगा, फिर अपलोड करके एडिट करो, ये करो, अपलोड करो, सब कुछ करना है, फिर नई ट्रिप की तैयारी करनी है, और थोड़ा वो हमारे जो गुरुजी हैं लुधियाना वाले, उनके साथ जो काम करने की प्लानिंग चल रही है उसको लेकर भी काफी सोचना पड़ेगा। तो अब इतना ज्यादा मजा आने लगा घूम फिर के, सब कुछ लगता है कि बस अब किसी ने इस तरह कोई मुद्दा उठाया आप लोगों के टच में रहने का, कि मैं कुछ बताएं, अगर कुछ लगता है ना कि ये चीज है, काफी सारे लोग जो अभी सोशल मीडिया पे नहीं है वो बेचारे सोच के छोड़ देते हैं, मगर मैं हूँ तो मैं उस चीज का फायदा उठाना चाहता हूँ कि मैं हूँ, और जो भी चाहता है, जैसे हमारा भाई है आबिद, आप भी चाहते हो, कोई सारे बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, अगर आप लोग भी ऐसे कुछ चाहते हो तो उसको आगे बढ़ाओ, उस मुद्दे को उठाओ अपने थ्रू, आप बताओ अगर आपको लगता है कि ना ये काम डिफरेंट है और जरूरी है तो कर दो उसको आप। जैसे हम लोग अपने घर में एक्शन लेते हैं, या हमारा कुछ खाने पीने का मन होता है कि मन हुआ कि चलो ये चीज ले आते हैं खा लेते हैं, इस तरह का अपनी लाइफ में भी करा, और कोई सीरियस मुद्दा आपको लगता है आपकी नजर में है और देश हित में है तो फिर बहुत जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, पीछे रहना चाहिए। आपको देखो आप अभी भी आप कितनी प्लानिंग कर बैठे हैं, कितने चैनल के बारे में सोच कर बैठे हैं, मैं तो बता नहीं सकता आपको, 5-6 चैनल आपने सोच रखे हैं, 6 चैनल हैं मेरे पास, 6 चैनल। आपने उस दिन का सेटअप देखा था, वो वाली उस वीडियो का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, एक बार आप वो भी चेक कर लेना, आप समझ जाएंगे कि फिर भी आप देखो देखते हो आप कितने एनर्जी। अभी जब मैंने बोला तैयार हो जाए वो वीडियो बनानी है, घर में तो आदमी नॉर्मली वैसे रहता है तो क्या बोल रहे हैं, कहीं चलना है क्या, कहाँ चलना है बताओ, तो मैंने कहा भैया चलना होना कहीं नहीं, घर में रहना है यार, तो घर में वीडियो बनाएंगे, तो ये चीज है। अच्छा मैं हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस बारे में कि कुछ ऐसा दिखाएंगे जिससे आदमी को समझ में आ जाए कि फ्यूचर में ये स्थिति हो जाएगी फ्लैग की, तो मैंने उनको बोला टेंशन ना लीजिए आप, मेरे पास काफी सारे फ्लैग रखे हैं जो मैंने उतारे हैं, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो, साइकिल से लाके मैंने कलेक्ट किया था उन फ्लैग, जो इंडियन फ्लैग थे हमारे, उनकी हालत क्या क्या थी आप खुद देख लेना। आप सभी से एक निवेदन और करना चाहूंगा, जैसा कि मेरे यंग यूट्यूबर मिस्टर एस डॉट ए मलंग नाम से जो है चैनल अपना मेंटेन करते हैं, इनके चैनल पर सबसे ज्यादा आपको लाइक देना है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हम लोगों का मनोबल बढ़े और हम नए नए कंटेंट्स, देश हित के कंटेंट्स आप सबके सामने ला सकें और आप देश के हित में हम दोनों लोग मिलके काम कर सकें। इन्हीं के साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया करके हमारा सहयोग करें और खूब जम के जो है ना हमारे चैनल को आगे आगे फॉरवर्ड भी करें, फॉरवर्ड करें, फॉलो करें, आप भी शेयर भी करें इसको, सारी बात आप लोगों से कहती है। और उम्मीद करूंगा कि सारे भाई लोग जो भी देख रहे हैं, इसमें कोई धर्म की बात या किसी पार्टी की बात नहीं आती है, देश की बात आती है, तो हमें देश के लिए फिर आगे एक साथ ही बढ़ना पड़ेगा, जब देश की बात आएगी तो सब एक साथ है, बाकी राजनीति है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं, हमें कुछ बोलना है, देश हित की बात है तो सब एक साथ है, किसी का कोई अलग अलग रंग नहीं है, सबका एक है और एकजुट है, इस तरीके से हमें मैसेज आगे फैलाना है भाई।
और इस तरीके से हमें आगे अपना बढ़ना है और इस काम में आप लोग हमारी मदद करें। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।